हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के कोटा टोंक समाचार में आपका स्वागत है। जयपुर कोटा नेशनल हाईवे 52 पर सड़क घटना के चलते आईआईटी की कोचिंग कर रहे 4 छात्रों समेत 5 लोगों की मौत का बड़ा ही मामला देखने को मिल रहा है, जबकि एक का इलाज जारी है। सभी कार में हरिद्वार जा रहे थे, तभी जयपुर कोटा नेशनल हाईवे 52 पर उनकी कार बेकाबू हो गई और सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में जा घुसी। दरअसल यह घटना रविवार रात करीब 1 बजे के आसपास की है, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जानकारी के अनुसार कार से जा रहे 5 स्टूडेंट कोटा में रहकर आईआईटी की कोचिंग कर रहे थे। उन्होंने घूमने का प्लान बनाया था और हरिद्वार जाते समय सदर थाना क्षेत्र के बाड़ा जेरेक्लिन के पास यह घटना घटित हो गई। ट्रक की बॉडी बनाने के कारखाने का चौकीदार भी उनकी कार की भिड़ंत में आ गया था और उसे भी मौके पर मृत घोषित कर दिया गया था। पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त कार को मौके से हटाकर थाने में खड़ा करवाया है। इसी दौरान हेड कांस्टेबल कृपाल ने बताया कि बाड़ा जेरेक्लिन के पास 4-लेन हाईवे पर कार की भिड़ंत की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। वहां पर कोटा नंबर की कार एक ट्रक में जा घुसी थी। कार में बैठे 5 को आसपास के लोगों की मदद से बाहर निकाला और टोंक के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने अभिषेक पुत्र अवधेश कुमार, सूरज पुत्र सुनील और कारखाने के चौकीदार काली पलटन निवासी सादिक 40 वर्षीय को मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि इस घटना में घायल छात्र रोशन पुत्र रविंद्र कुमार, सुरेशा उर्फ ज्ञानेश्वर और ऋषभ को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां पर इलाज के दौरान रोशन और सुरेशा को मृत घोषित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मृतक छात्र बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने उनके परिजनों को सूचना देकर मौके पर बुलाया और उनका पीएम करवाने के बाद सब परिजनों को सुपुर्द कर दिए हैं। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।